बाड़मेर जिले में तेज उत्खनन क्षेत्र में कार्यरत केन वेदांता कंपनी की सीएसआर हेड रही हरमीत सेहरा का तबादला उड़ीसा हो गया। वे वर्ष 2019 में बाड़मेर में कंपनी के सीएसआर हेड बनी थी। सोमवार को अपने विदाई संदेश में सेहरा भावुक नजर आई। उन्होंने बाड़मेर की जनता का पिछले 4.5 साल में सहयोग और प्यार देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और उनके साथ काम करने में उन्हें बहुत खुशी हुई। अनुभव अगर पिछले 4-4.5 साल का पूछेंगे तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। और हमारे यहाँ पर 2019 में मैं आई थी नवंबर, और पहली बार तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा भय लगा था, क्योंकि पहली बार राजस्थान और वो भी एक्सट्रीम वेस्ट बॉर्डर के पास थार, ये सब सुन के मैं थोड़ा घबरा गई थी कि पता नहीं पानी भी पीने को मिलेगा एक वक्त की नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। बाड़मेर बहुत ही खूबसूरत है और रोज़ एक नया बाड़मेर है। उसका सनराइज़ और सनसेट बहुत ब्यूटीफुल और हर दिन अलग होता है। और इस 4.5 साल में हम लोग ने काम भी बहुत किया है। इनफैक्ट 2019 में आने के बाद ही कोविड शुरू हो गया था, और कोविड में हम लोग ने लगातार यहाँ पर कलेक्टर साहब से भी मिलके, एमएलए साहब से मिलके डेली हमारे यहाँ पर रोज डिस्कशन होते थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है। तो उस तरह से अगले दिन क्या चाहिए, शाम को क्या होने वाला है, कल कितने पेशेंट्स आए, ये लगातार डेली मीटिंग्स होती रही। और हम लोग कोशिश करिए कि कितना जल्द से जल्द हम लोग हेल्प कर पाएँ। और चेयरमैन साहब ने भी, अनिल अग्रवाल साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ओपनली बोल दिया था कि हरमीत जो चाहिए बता देना, हम लोग यहाँ से उपलब्ध कर देंगे। और इस तरीके से हम लोग ने कोविड के टाइम पे यहाँ से एक श्रमिक ट्रेन भी गई थी, जो काफ़ी यहाँ पर लेबर्स को लेके गई थी बिहार तक। वो एक मेगा प्रोजेक्ट था कि एंड लोग रोते हुए खुशी खुशी गए थे कि चलो हम लोग को खाना भी मिला, क्योंकि उनको ये भी होप नहीं था कि पानी और खाना मिलेगा कि नहीं। लेकिन हमने उनको पूरा सेट दिया, सूखा खाना भी दिया, टिफिन पैक करके भी दी, आलू पूरियाँ दी एंड पानी दिया, क्वारंटाइन मास्क दिए, सैनिटाइजर्स दिए, सारा कुछ दे के भेजा। बहुत खुशी खुशी गए हैं। एंड इसके अलावा हमारे यहाँ पर 3 क्वारंटाइन सेंटर्स भी बनाए थे, हॉस्पिटल भी बने थे। फेज़ 2 भी काफ़ी हैवी रहा हमारे लिए। सिलेंडर्स हमें काफ़ी अरेंज करने पड़े थे उस वक्त, एंड हम लोग ने 21 डेज में एक हॉस्पिटल भी तैयार किया था 100 बेड का। तो कोविड वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, वो 2 साल तो उसी में गुजर गए। बट यहाँ के भामासाज ने भी काफ़ी सहयोग दिया, एंड एज अ टीम आई थिंक बाड़मेर कम्प्लीटली ने बहुत अच्छे तरीके से मिलके हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ एक दूसरे की मदद की है। वो एक काफ़ी एक बहुत बड़ा जोन रहा। उस बीच हमने ई कक्षा का भी आरंभ किया था, जिससे आज के दिन में पूरा राजस्थान क्या, पूरा इंडिया उससे काफ़ी कुछ सीख रहा है। एंड ऑनलाइन डिजिटलाइज्ड एजुकेशन है वो, जिसमें आज 12 करोड़ के ऊपर बच्चे भी आज उससे बेनिफिट ले रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ध्यान था एजुकेशन के टाइम पे। लेकिन साथ ही साथ हम लोग फार्मर्स के साथ भी, जो करीबन हमारे 15,000 फार्मर्स किसान हैं, जो हम लोग एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे हैं, पानी का भी काफ़ी काम होता रहा, डेयरी में भी काफ़ी काम करते रहे हैं। तो ये लगभग चलता रहा और लगातार ट्रेनिंग चलती रही कि कैसे हम लोग सेफ्टी सेफ रहें और कैसे हम लोग डिस्टेंसिंग करें, किस तरह से हम लोग सही ढंग से अपने लाइफ को जो चेंज आ रही है उसको अडॉप्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहे हैं उन 2 सालों में। उसके बाद भी हमारे काफ़ी काम यहाँ पर लगातार होते रहे हैं इन सब थीमेटिक एरियाज़ में। और पिछले 2 साल से तो हम लोग ने मेजर फोकस किया हुआ है, एक तो एग्रीकल्चर एंड वाटर के ऊपर, और इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, सुसाइडल केसेस, इस पे हम लोग ने काफ़ी काम किया है। जैसे हम लोग पिछला निरोगी राजस्थान किया था, और इस साल उससे उभरा प्रोजेक्ट भरोसा, जो आप और हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं, जिससे आज वुमेन एंड चिल्ड्रन पे काफ़ी हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूढ़िवादिता कितनी कितनी इम्पॉर्टेंट है, और लाइफ में चेंजेस लाना ताकि महिला आगे बढ़े बहुत ही ज़रूरी है। और यह काफ़ी सफलतापूर्वक भी चल रहा है, अच्छे डिमांड्स आ रहे हैं। नॉन एसेट एरिया से भी रिक्वेस्ट आ रही है कि यहाँ पर भी ये प्रोग्राम्स दिखाए जाएं। मैंने भारत में बहुत शहरों में काम किया है, बहुत स्टेट्स में काम किया है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट में ये राजस्थान सबसे फर्स्ट रहा है। एंड आई मस्ट से कि मेरे पूरे लाइफ टाइम में जितने भी मैंने काम किया करूँगी भी, मैं बाड़मेर कभी नहीं भूल पाऊँ।